जैसलमेर में लगातार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त शशिकांत शर्मा ने एक नई पहल की है और साथ ही कोरोना को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना को लेकर जो है हाल फिलहाल तक उन्होंने कितने प्रयास कर दिए हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर जो है क्या जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जागरूकता के लिए नगर परिषद स्तर पर हमने 25 वाहन लगा रखे हैं और जिनके द्वारा पूरे शहर में, विशेषकर ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर लोग अभी भी अनवेयर हैं, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, वहाँ भी हम माइक द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने भवनों द्वारा, और साथ में पैम्पलेट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अपील जारी की गई है, उस अपील को भी हम पैम्पलेट के माध्यम से वितरित करवा रहे हैं, मास्क वितरित करा रहे हैं और लोगों को सावचेती बरतने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। कोविड सेंटर्स जो हैं और जो जिला अस्पताल हैं जहाँ पर संक्रमितों को रखा जा रहा है, उनके लिए जो है नगर परिषद की तरफ से क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही है। इस कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए और जरूरतमंदों के लिए भामाशाहों के माध्यम से और इंदिरा रसोई के सहयोग से हम उन तक दो टाइम का नाश्ता और दो टाइम का जो लंच और डिनर होता है वो बेहतर तरीके से गुणवत्तापूर्वक पहुंचा रहे हैं। और ये प्रयास हमारे निरंतर जारी है कि कोई भी भूखा न रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपील है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए नगर परिषद इंदिरा रसोई के माध्यम से पूरे पुरजोर प्रयास कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जो जिला अस्पताल है वहाँ पर जो है संक्रमितों को लेकर संख्या बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा भी शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आया, तो सैनिटाइजेशन को लेकर क्या व्यवस्था है नगर परिषद की। सैनिटाइज के लिए हमारी टीम बनी हुई है जो दिन में भी और रात में भी राउंड द क्लॉक सैनिटाइज करती रहती है, चाहे वो सार्वजनिक कार्यालय हो, सार्वजनिक स्थान हो, गलियाँ हों, और सभी जगह ये निरंतर राउंड द क्लॉक चलता रहता है। कहीं भी हमें सूचना आती है कि कहीं कोरोना संक्रमित हो गया तो संबंधित एरिया में भी हमारी टीम तुरंत प्रभाव से पहुंचती है और राउंड द क्लॉक हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और पूरे शहर को सैनिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखने को मिला है कि जो कोरोना से संक्रमित हैं उनकी जब मौत हो जाती है तो उनकी जो पार्थिव देह है उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए नगर परिषद ने क्या सुविधाएं प्रदान की है। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशन पर हमारे नगर परिषद द्वारा यहाँ दो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है जो हॉस्पिटल में रहती है और हमारी वहाँ टीम भी राउंड द क्लॉक रहती है, और जो भी पार्थिव देह कोरोना संक्रमित पार्थिव देह है उसके सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि के लिए हमारी टीम तैयार रहती है, और एम्बुलेंस के माध्यम से जो दो एम्बुलेंस लगी हुई है उनके माध्यम से निर्धारित अंत्येष्टि स्थल तक पहुँचकर सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि कराई जाती है। एक पिछले 24 घंटों से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले 48 घंटों में जो है ताऊते नामक जो है साइक्लोन वो जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, उसको लेकर नगर परिषद क्षेत्र में आपने क्या प्रयास किए हैं अभी तक। इसके लिए हमने आज टीम गठित कर दी है और आज माइक द्वारा प्रचार प्रसार पूरे शहर में कराया जाएगा कि इस तूफान से बचने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति बिजली के खम्भे हैं और बिजली के जहाँ तार जा रहे हैं उनसे बच के रहे, और यदि किसी के पास इस प्रकार का कच्चा घर है जहाँ उसको ये लगता है कि उसके लिए गिर सकता है या टूट सकता है, वो हमारे रैन बसेरों में आकर आश्रय ले सकता है। मैं अपील करूँगा समस्त शहरवासियों से, कोई भी है वो वहाँ हमारे जो सामुदायिक भवन है, आश्रय स्थल है, वहाँ आकर रह सकते हैं, और उन लोगों को इंदिरा रसोई के माध्यम से हम खाना भी देंगे। एहतियात बरतने की जरूरत है और इस संदर्भ में हम अपने माइक द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई संबंधित तूफान से बचने के लिए सावचेती बरतें, सावधान रहें, और इस तरीके से कोई भी और भी कोई सुझाव है तो हम एक कंट्रोल रूम भी इसके संबंध में स्थापित करेंगे, एक नंबर भी प्रसारित करेंगे नगर परिषद स्तर पर। कोई भी यदि व्यक्ति इस संदर्भ में कोई भी सूचना आती है तो हम तुरंत उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। शहर में, शहरी क्षेत्र में एक बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो उन लोगों से और शहर की जनता से कोरोना को लेकर आप क्या अपील करेंगे। मैं यही कहूँगा कि ये कोरोना की दूसरी जो भयावह जो दौर चल रहा है, दूसरी लहर का, उससे हमें सावचेती बरतने की बहुत ज़रूरी है। मैं शहरवासियों से पुनः अपील करूँगा कि जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है और सभी इस जीवन को बचाने के लिए प्रयास करें, और जीवन जब ही बचेगा जब हम सावचेती करेंगे, सभी अनिवार्य रूप से हर हालत में मास्क पहनें, और जो वैक्सीन चल रहे हो जहाँ भी जिन कैंपों पर जाके वैक्सीन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें,
और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें, बार बार साबुन से अपने हाथों को धोएं। जो पैरामीटर्स है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल है उसकी अच्छर से पालना करें।